ब्रदर का नाम हरजीत पाल सिंह है और ये मानबिन गांव के रहने वाले हैं और जिनके मिसेज हैं। और इस ब्रदर की गवाही जे बता रहे हैं कि आज से कुछ दिन पहले जे अपने काम पर गए थे और एकदम से इनका बीपी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और जिसके कारण जे बता रहे कि इनके पहले जब बीपी कभी कभी बढ़ता था तो इनके सिर में दर्द होती थी, पर इन्होंने बताया कि उस दिन जैसे इनका बीपी हाई हुआ बढ़ा तो इनको कोई भी इनके सिर में दर्द नहीं हुई और उसी समय इनको पैरालाइज का अटैक भी आया। और इन्होंने तो बताया कि इन्होंने उस दिन पूरे दिन अपना काम भी किया और जब जी अपने घर वापस आए तो इनके मिसेज ने जैसे इनको देखा और बोला कि आपका जो फेस है मुँह है वो तो टेढ़ा है और जो इनकी एक बाजू के ऊपर भी वो अटैक का असर पड़ गया था। और जैसे ही जे एकदम से डॉक्टर के पास गए और जैसे डॉक्टर ने इनका बीपी चेक किया उन्होंने बताया कि अभी जो इनका बीपी है वो थोड़ा लो है और उन्होंने बताया कि कुछ थोड़े समय पहले इनको पैरालाइज का अटैक आया है जिसके कारण इनका जो मुंह है वो भी टेढ़ा है और जो इनकी बाजू वो भी काम कम कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा ऐसे इनको लग रहा था जो भी चीज़ को पकड़ते थे ऐसे बहुत ज़्यादा कांपती थी और वीकनेस लग रही थी। और जिसके कारण डॉक्टर ने बताया कि आप अपना MRI सिर का करवाएं तब पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम किस लिए आएगी। और जैसे इन्होंने उन्होंने प्रेयर टावर में कॉल किया और बताया कि ऐसे जो प्रॉब्लम है और हम हमारे ऐसे प्रभु के दास के साथ बात कराई जाए और जैसे इनको उत्साहित किया कि जैसे प्रभु के दास अलग अलग गांव में विजिट करें और इनके गांव में ही बटाला रोड बरियाम गांव में ही उस दिन प्रभु के दास ने विजिट करनी थी और इनको मैसेज दिया गया कि आप वहां पर मीटिंग में आओ और अपनी बात भी कर सकते हो और मीटिंग को विश्वास के साथ अटेंड करना। और जैसे जो विश्वास लेकर आए और इन्होंने मीटिंग को अटेंड किया और अपनी बात को भी पर्सनल प्रभु के दास के साथ मीटिंग की और जैसे प्रभु के दास ने इनको उत्साहित किया और इन्होंने वचनों को भी सुना और इन्होंने बताया कि जैसे इन्होंने बताया कि हमने ऐसे MR करवानी है सिर की, तो प्रभु के दास ने बताया कि ऐसी ज़रूरत तो नहीं है पर फिर भी अगर आपका मन है तो करवा सकते हैं, पर मुझे पता है कि इसमें कुछ भी नहीं है, परमेश्वर ने आपको बिल्कुल अच्छा कर दिया है। पर इन्होंने बताया कि जैसे इन्होंने इस वचन को लेकर रिसीव किया और जी धन्यवाद करते रहे और जैसे इन्होंने नेक्स्ट अगले दिन ही अपने ऐसे MR करवाई तो इन्होंने बताया कि डॉक्टर ने बताया हम उस रिपोर्ट्स को भी देखेंगे। जैसे इनको रिपोर्ट्स मिली तो इनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई जिसके कारण जे अटैक्स आया था। और जे बहुत रिपोर्ट दिखाओ पहले अच्छे से दिखाओ, जूम करो, पूरा दिखाओ, पूरा जहां पे नॉर्मल है नीचे लेकर आओ, जूम करो और भी नीचे। हाँ ठीक है। तो जे बता रहे कि जिस समय अटैक आया था कुछ भी हो सकता था, कुछ भी, पर परमेश्वर का अनुग्रह जो कृपा थी परमेश्वर ने इनको बिल्कुल अच्छा रखा, संभाल कर रखा और आज ये परमेश्वर का बहुत सारा थैंक्स करते हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम सब तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए। सुनो ये परमेश्वर का अनुग्रह है, बोलो क्या है, जिसमें हम सब चुने गए। इसलिए बाइबल कहती है कि इसे व्यर्थ ना करो, क्या ना करो, व्यर्थ ना करो, व्यर्थ, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं लेता, पर हालात आने का कुछ कारण है, पर धन्यवाद है कि ये खुदा के अनुग्रह में चुने गए। हाँ देखो जब जे अटैक इनके ऊपर आया, अटैक जब हुआ तो ये सारा दिन अपना काम करते रहे। क्या करते रहे, क्या काम करते हो आप? हाँ कपड़े की फैक्ट्री में। हाँ तो सारा दिन ये काम करते रहे, जब घर आए शाम को तो इनकी फैमिली ने, इनकी मिसिस ने पूछा आपका फेस क्यों टेढ़ा है, आपका मुंह टेढ़ा क्यों है, कहते नहीं। तो जब ये डॉक्टर के पास, इनकी थोड़ी आवाज भी जमीन भी थोड़ी ऐसी थी, तो जब ये डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने चेकअप किया और तो पता चला, डॉक्टर ने कहा इन्हें तो अटैक आया है। क्या आया इन्हें? अटैक हुआ है। और ये कहने लगे पता नहीं क्या मेरा बाजू भी, ये वाला बाजू भी एक काम नहीं कर रहा, जैसे सुन थोड़ा बाजू क्या हो जाता है अटैक के कारण। हाँ पर देखो ये परमेश्वर का कितना बड़ा अनुग्रह है, जिस बंदे को अटैक आए वो हाँ क्या हो जाता है, लोगों की मौत हो जाती कि नहीं हो जाती, पर
धन्यवाद है उस परमेश्वर का के जिसने हमें अपने अनुग्रह में चुन लिया है। क्या चुन लिया है? अगर हम चुने ना होते तो कुछ भी हो सकता था। होता है ना संसार में, लोग पूछते क्या हुआ, वो थे पता नहीं बीमार थे, नहीं क्या हुआ, ठीक नहीं थे, हाँ ऐसे पूछते हैं ना। पर ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हाँ लोग पूछते हैं संसार में क्या हुआ, ठीक नहीं थे, इनकी डेथ होगी, पर धन्यवाद है उस परमेश्वर का कि जिसने हमें अपने अनुग्रह में चुन लिया। अगर ये चुने ना होते, बोलो अगर ये चुने हुए ना होते तो कुछ भी हो सकता था। बोलो क्या है? कुछ भी हो सकता था। हो सकता ये बाजू जो अभी कम काम कर रहा था पूरा डेड हो सकती थी, एक साइड रुक सकती थी। अगर फेस टेढ़ा हो गया है, अभी फेस इनका जूम करके दिखाओ थोड़ा सा, हाँ देखो अभी फेस अभी कितना है ना, हाँ तो आगे से उस दिन से तो काफी क्या है, बेहतर है ना। मेरी तरफ घुमाओ, अरे धन्यवाद है परमेश्वर का। मैं तो अरे परसों जब मैं इनसे मिला था तो इनका फेस ऐसे पूरा था टेढ़ा, और आज देखो कितना फर्क है। तारीफ करो सबसे पहले तो इस बात की। हाँ और मैंने इन्हें कहा था कुछ नहीं है, ये भी सीधा हो जाएगा। बोलो क्या है? ये भी सही हो जाएगा। देखो ये अनुग्रह है परमेश्वर का। बोलो क्या है? ये अनुग्रह हुआ इस संसार पे मसीह के द्वारा परमेश्वर का बड़ा हम पर इसे समझो। समझ आ रही है? नहीं तो कुछ भी हो सकता था, एक साइड रुक सकती थी। हाँ बोलो, ये पूरा ऐसे अगर उस दिन हो गया था पूरा फेस टेढ़ा, बोलो, और आज देखो। बोलो क्या है? ये कौन ऐसे काम करता है? बोलो कौन ऐसे काम करता है? कौन हमें बचाता है? कौन हमें बचाता है? और वो सबको बचाना चाहता है और सबको जीवन देना चाहता है। इसलिए इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े काम के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए, जो अटैक आने के बाद भी परमेश्वर ने भला चंगा आज सुरक्षित रखा, कोई अंग पर कोई आंच नहीं आने दी, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी, और आज आपके सामने है, सब रिपोर्ट नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। बोलो क्या है? सब कुछ नॉर्मल है और ये सही है। फेस टेढ़ा था उस दिन बहुत ज्यादा, और आज वो भी हल्का सा रह गया, हल्का सा, और वो भी परमेश्वर कर चुके, हल्का सा भी कर चुके। तारीफ करो जोर से, तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से। शाफी बंटी दशी फामा पयाए, शाफी बंटी दशी फामा पयाए, शाफी बंटी दशी फामा पयाए। हालेलुया। ओके, गॉड ब्लेस यू। अभी परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाओ, ठीक है? अगर आप भी किसी दुख परेशानी या हालात में हो या दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हो, तो ये हमारे चर्च का एड्रेस है और हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हो। आमेन।